वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, एक बार फिर से मेरे बिज़ी रूटीन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जी, टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मेरा जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ है। मैं यहाँ कर रही हूँ बेडशीट ठीक, और दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने की। कपड़े भी साथ साथ धुल रहे थे और बर्तन वगैरह मेरे सब साफ हो गए थे, बस थोड़ी किचन की क्लीनिंग करनी बाकी थी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं जो है बेडशीट ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट, घर की सफाई बेडशीट से ही दिखती है। जब तक बेडशीट ठीक ना हो तो घर में सफाई नज़र नहीं आती है। तो और मैंने बेडशीट आज चेंज भी की थी, मशीन लगाई हुई थी तो बेडशीट चेंज की थी। वो जो दूसरी बेडशीट जो बिछी हुई थी वो मैंने धो दी थी आज। और बेडशीट बिछाने में कम से कम 5 या 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से कवर करना पड़ता है, अच्छे से बिछानी पड़ती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शॉल मैं इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट है और कभी कभी जो धैर्य है वो इधर ही लेटता है, तो कभी कभी सूसू वगैरह जैसे वो कर देता है बच्चा, जैसे नहीं बता पाता है। अभी वो बहुत छोटा है, बता नहीं पाता है। तो बस ये गंदी नहीं होती है इसीलिए, और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी बिछौनी 2-3, जिनके मैंने अंदर पन्नी लगा के बिछौनियाँ बनाई हुई हैं, तो वो मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। और ये जो हम सब ओढ़ते हैं, ये चादरें वगैरह, ये वही हैं जो हम रात में ओढ़ते हैं, और ये भी मैंने रख के रख दी है अच्छे से करके। और यहाँ मेरी मशीन के जो बर्जर है वो बच गया था, और मैंने यहाँ पर जो कपड़े जो हैं एक्सचेंज कर दिए हैं, मतलब दूसरी तरफ डाल दिए हैं खंगालने के लिए। और जो सेकंड वाले कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में घूमने के लिए। और अब आ गई हूँ किचन में क्लीनिंग करने के लिए। बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे, गैस गर्म थी इसलिए गैस नहीं धुली थी, तो अब गैस ठंडी हो गई है तो गैस को मैंने धोना शुरू कर दिया है। धोना इसलिए पड़ता है क्योंकि गैस को साफ़ वाफ जैसे कपड़े से साफ़ करते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है, और इसमें जो है जल्दी हो जाता है और गैस भी बहुत अच्छे से चमक जाती है। जैसे स्टील का बर्तन होता है तो स्टील का बर्तन मांजने से ही चमकता है, तो बस वही है। मैं भी इसको जो है अच्छे से मांज देती, इससे साथ साथ मेरी स्लेब भी जो है अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद कपड़े से मैं कर दूँगी स्लेब को साफ़, और अब किचन जो है क्लीन हो जाएगी। मेरी किचन हो गई है नीट एंड क्लीन बिल्कुल। गर्मियों का टाइम है, गर्मी हो ही रही है ज़्यादा, सभी को पता है, और जितना जल्दी काम हो जाता है उतना अच्छा होता है। लेकिन फिर भी काम करते करते वही टाइम हो जाता है, क्योंकि 3-3 बच्चे हैं और बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बच्चे के साथ तीनों बच्चों का नहलाना धुलाना, और अब बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं तो उनका काम और बढ़ गया। पहले तो स्कूल जाते थे तो सुबह नहा धोकर एकदम चले जाते थे, तो अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा देर से नहाते हैं तो टाइम थोड़ा लग जाता है, और सुबह तो नाश्ते वगैरह में ही इतना टाइम जो है निकल जाता है। किचन साफ़ हो गई थी और जो कपड़े वगैरह है वो भी निकल गए थे, बस लास्ट में एक चक्कर जो है मशीन का घूम रहा था, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं कर देती हूँ कमरे की सफाई। और बच्चों को मैंने तीनों को नहला दिया था बीच बीच में, मैंने तीनों बच्चों को अच्छे से नहला धुला के उनको बेड पे अच्छे से बिठा दिया है, ताकि मैं पोछा जो है आराम से लगा सकूँ, वरना जो है बच्चे इधर उधर घूमते हैं। और मेरा सारा काम हो गया था फिनिश, तो जी यहाँ मेरा काम हो गया है ख़त्म, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा धोकर रेडी होने के लिए। और धैर्य को अभी नींद नहीं आई थी, धैर्य नहीं सोया था, और अब ये है कि पहले मुझे काम ख़त्म होते के साथ ही मुझे उर्वी को लेने जाना पड़ता था, तो अब गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए
बच्चों की छुट्टियां दे दी थी, अब 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे, तो ये अच्छा हो गया कि स्कूल छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि बच्चों को गर्मी में लू लगने का डर रहता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे भी आने जाने में, ऊपर से धैर्य को छोड़ के जाना पड़ता था अकेले सोते हुए, तो इसलिए प्रॉब्लम होती थी, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक काम और बढ़ गया है कि हॉलीडे होमवर्क जो है कंप्लीट कराना है, हॉलीडे होमवर्क भी जो है कम नहीं मिला है, बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क जो है स्कूल से मिला है, तो वो काम अब ऐड हो गया है। और अब कर लेते हैं पूजा, और उसके बाद जो है खाएंगे खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह करेंगे, तो पूजा करने में लग जाते हैं कम से कम 5-10 मिनट, जो आराम से भगवान जी का नाम पूरे मन से लेने के लिए, सुख शांति से, और 5-10 मिनट तो भगवान जी को देने ही चाहिए, चाहे वो हमें किसी भी टाइम मिले। और इसीलिए मैं जो है मेरा काम 11 11 बजे तक, 10:30 10:30 बजे तक मैक्सिमम ख़त्म हो ही जाता है, तो बस मैं उसके बाद अपना जो पैसे दिया वगैरह इसके पापा करके चले जाते हैं, फिर बाद में बस मैं, ये है कि मुझे भी थोड़े से हाथ जोड़ने होते हैं और थोड़ा सा जो है जल चढ़ाना होता है सूरज भगवान को। उर्वी के बाल भी जो है सूख चुके थे, उर्वी के बाल मैंने धोए थे तो सूख चुके थे, उनको तेल वगैरह मिला के अच्छे से चोटी वगैरह करनी थी, क्योंकि वरना ये पूरे दिन ऐसे ही खुले रखेगी तो ये भी एक काम ऐड हो जाता है ये भी, तो मैंने इसके सर में जो है तेल अच्छे से मिला दिया था। पूजा करने के बाद मैंने बीच में नाश्ता वगैरह कर लिया था, और नाश्ता किया था उसके बाद मैंने बच्चों को भी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा दिया था, मतलब बच्चों को नाश्ता सुबह ही करा दिया था, लेकिन अभी ने दोबारा भूख लगाई थी तो इनको खाना वगैरह भी मैंने दे दिया, और उस बीच फिर मैंने उसके बाद ही ये इसका ये काम करना शुरू किया था, और मैं इसके सर में तेल वगैरह मिला दिया, क्योंकि सर में तेल ना मिले तो बच्चों के बाल जो हैं भूतली सी बन के ये घूमती रहती है, और बार बार इनको खुले इधर उधर छोड़ती रहती है, तो मैंने सोचा कि इसके सर में तेल मिला के फिर उसके बाद ही थोड़ा सा करूँगी आराम, और फिर उसके बाद इसका हॉलीडे होमवर्क जो है मुझे कराना है। और इस बीच भारती भी आकर बैठ गई थी, तो मैंने हम दोनों बातें करते कर रहे थे साथ साथ, और साथ साथ काम भी हो रहा था, तो और डर भी रहता है क्योंकि ट्राईपोड रोहन जो है बहुत ज़्यादा छेड़ता है, तो इसीलिए मैंने बस इतना ही वीडियो शूट किया था, और उसके बाद जो है मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, ताकि ये बच्चे जो हैं परेशान ना हों और इसको ट्राईपोड वगैरह को डाल ना दे, और बीच बीच में बच्चे परेशान कर भी रहे थे, देखिए कभी लाइट बंद कर रहे थे, कभी धैर्य के काम थे, ये धैर्य कर रहा था इसे, और रोहन को भी लगी थी कि ये क्या लगा रखा है आज बड़ी मम्मी ने, तो देखो मैं इसको रोक रही थी। ज़्यादातर वीडियो जो है इसी वजह से शूट नहीं हो पाती हैं, आधे से ज़्यादा सीन इसी में कट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ट्राईपोड नहीं लगाया जाता है बच्चों के घर में, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभार मैं जो वीडियो जो है ऐड कर देती हूँ, और कभी कभार नहीं कर पाती हूँ, जिस टाइम टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाती हूँ। और तो जी ये था आज तक का मेरा दोपहर का व्लॉग, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी फ़र्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।